हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे होम गार्डनिंग यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पालक की सब्जी को गमलों में या छत पर कैसे उगाए कि और हम बात करेंगे कि इसको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, कैसी मिट्टी चाहिए होगी, कितना टेम्परेचर चाहिए होगा आदि बातों के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं पालक की बुआई के बारे में। फ्रेंड्स, पालक की बुआई अक्टूबर नवंबर के महीने में की जाती है। हमने छत पर पालक को उगाने के लिए सोइल और FYM फार्म यार्ड मैन्योर का उपयोग किया है। इसमें हमने 50% मिट्टी और 50% FYM का यूज किया है, जिससे प्लांट्स को या पालक को अच्छे न्यूट्रिएंट्स प्राप्त हो सके और इसकी ग्रोथ भी अच्छी हो सके। तो ये तो हो गई सोइल की बात कि कैसी सोइल लेनी चाहिए। इसके लिए ब्लुई दोमट मृदा आवश्यकता होती है। बात करें टेम्परेचर की, तो 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर में ये आसानी से उगाया जा सकता है। वैसे तो इसके लिए सर्दियों का टेम्परेचर आवश्यक होता है। इसके गमलों में हमने ड्रेनेज होल भी बनाए हैं नीचे, जिसके लिए एक्स्ट्रा वाटर लीचिंग हो जाए और पानी भरे ना, जिससे पौधों की जड़ें गले ना। पालक को गमलों में उगाने के लिए हम 6 से 8 इंची तक के गमलों का यूज़ कर सकते हैं, जिससे इनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी और जड़ों को फैलने को भी अच्छा स्पेस मिलेगा। अब हम देखते हैं पालक को जो हमने बोया था पिछले 10 दिनों पहले। दोस्तों, ये हमने पिछले 10 दिनों पहले एक गमले में बोया था और प्रैक्टिकल किया था कि गमले में अच्छे तरीके से बढ़वार होगी या नहीं। तो ये अच्छी रूप से सक्सेस हुआ है और इसकी अच्छी ग्रोथ हो रही है। आपको मैं बता दूं दोस्तों, ये मैंने हाइब्रिड बीज का यूज किया था, जिससे इसकी अच्छी ग्रोथ हो रही है और ये प्योर ऑर्गेनिक उगाया है। दोस्तों, इसकी 10 दिन बाद हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी और इससे अच्छी फ्रेश सब्जी का उत्पादन होगा। तो दोस्तों, आप भी अपनी छत पर गार्डनिंग कीजिए और ऑर्गेनिक और टेरिस गार्डनिंग को बढ़ावा दीजिए। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।